हेलो बच्चों, कैसे हो? माई सेल्फ दीपक कुमार, टीम फिजिक्स CLC सीकर, ठीक है? और सर, एंड आई एम नीरज चास्टा, टीम फिजिक्स CLC सीकर। तो देखो, हम बेटा गुरुनीति स्टार्ट करने जा रहे हैं। गुरुनीति में हमारा टॉपिक चल रहा है, वो चल रहा है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आज अपन लेक्चर 39 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले 38 में अपन ने जो मॉडर्न फिजिक्स में एक तो क्वेश्चन कौन कौन सा डिस्कस किया था, हमने फोटोइलेक्ट्रिक डिस्कस कर लिया था अपन ने, इफेक्ट डिस्कस किया और फोटॉन्स की भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। हां, और मैटर वेव्स भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। हमने डिस्कस कर काफी अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए और वो एक हेल्दी डिस्कशन भी हमारा रहा। तो हम अपना अगला जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा एक्सरे एंड एटॉमिक फिजिक्स। हां, जिसमें एटॉमिक फिजिक्स हम बोहर मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मेटल ब्लॉक इज एक्सपोज्ड टू बीम ऑफ एक्सरे ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, एक्सरे ऑफ व्हिच वेवलेंथ विल पेनिट्रेट मोस्ट। मतलब आपसे पूछा है पेनिट्रेशन पावर किस एक्सरे की सबसे मैक्सिमम होगी। सीधी सी बात है, जिस एक्सरे की एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगी, पेनिट्रेशन पावर भी मैक्सिमम होगी। और आप जानते हो एनर्जी इज इक्वल टू थी HC अपॉन लैम्डा। मींस एनर्जी मैक्सिमम होने के लिए वेवलेंथ स्मॉलेस्ट होनी चाहिए, ठीक है? तभी एनर्जी मैक्सिमम होगी सर। बिल्कुल। तो वेवलेंथ सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ कौन सी आ रही है यहां पे? 2 एंगस्ट्रॉम। तो 2 एंगस्ट्रॉम के लिए एनर्जी मैक्सिमम होगी, इसलिए पेनिट्रेशन पावर भी मैक्सिमम है। ओके, चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए सर, द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अभिलाक्षणिक एक्सरेज निम्न में से किसके कारण उत्पन्न होती है? तो हम लोग जब एक्सरे पढ़ते हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि अभिलाक्षणिक एक्सरेज जो होती है, जो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट्स में आते हैं, जैसे हमारे पास क्या हुआ, एक्सरे जनरेट कैसे होती है, जब हमारे पास कैथोड रेज किसी मेटल एटम को स्ट्राइक करता है तो हमारे पास लोअर एनर्जी लेवल्स जो रहते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन अगर चला गया, ठीक है, तो वहां पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? तो अब जो ये वैकेंसी क्रिएट हुई है इसको फिल करने के लिए हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन करते हैं। तो इस टाइम पर जो एक्सरे जनरेट होती है वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज या एक्सरे स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो ये किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से। तो ऑप्शन आएगा ये जाएगा, सेकंड ऑप्शन आएगा हमारा ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर टू लोअर इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स। नेक्स्ट सेशन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे विल ट्रैवल मिनिमम डिस्टेंस इन किस किरणों में, किस एक्सरे किरण किस माध्यम में न्यूनतम दूरी तय करेगी। तो चलो, वो एक्सरे जैसे किसी माध्यम में एंटर करती है उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है? अब वो डिपेंड, इंटेंसिटी कितनी डिक्रीज होगी वो डिपेंड करेगा कि जो मटेरियल है वो कितना ज़्यादा हार्ड मटेरियल है, हायर डेंसर मटेरियल है, मीन्स उसका जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, मीन्स जो उसका अवशोषण गुणांक है किसका सबसे ज़्यादा है। तो अपन देखते हैं इनमें से मटेरियल एयर, वुड, आयरन एंड वाटर में सबसे हायर डेंसिटी वाला मटेरियल कौन सा है? आयरन। और अपन जानते हैं आयरन जो नेचर में हाईली स्टेबल भी होता है, हाईली स्टेबल मटेरियल भी होता है, ठीक है? और उसकी डेंसिटी यहाँ पे हाई है, तो इसलिए एक्सरे जब आयरन पे इंसिडेंट होगी तो वो ज्यादा डेप्थ तक पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, ठीक है? इसलिए अपन समझ सकते हैं ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगी, इसलिए आंसर क्या जाएगा सर? आयरन, ठीक है सर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सरेज? मृदु और कठोर एक्सरेज में भिन्नता का कारण है। मृदु और कठोर केवल और केवल एनर्जी, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो हमारे पास हार्ड एक्सरे रहेगी, और जिसकी एनर्जी कम रहेगी वो हमारे पास क्या रहेगी? सॉफ्ट एक्सरे रहेगी। अब एनर्जी जो है वो अपन देखते हैं कि E इक्वल टू क्या रहता है हमारे पास? H न्यू। E इक्वल टू H न्यू। तो H न्यू से हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर जो मेन डिफरेंस है E इक्वल टू H न्यू, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और ये जो मेन डिफरेंस है एनर्जी का डिफरेंस है यानी कि फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। तो अपने पास मेन सॉफ्ट और हार्ड में जो डिफरेंस रहेगा वो कौन सा रहेगा? फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस रहेगा। तो इससे अपन ये समझ सकते हैं क्वेश्चन हो जाएगा इसका। फिर अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बीम ऑफ 35.0 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स अ मॉलिब्डेनम टारगेट जनरेटिंग द एक्सरे, व्हाट इज द कट ऑफ वेवलेंथ? अब वो कट ऑफ वेवलेंथ मींस मिनिमम पॉसिबल वेवलेंथ की बात कर रहा है, ठीक है? मिनिमम पॉसिबल वेवलेंथ ये हम फाइंड करते हैं किसमें? कंटीन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम में। तो आप बता दो बच्चों, एक्सरे स्पेक्ट्रम होता है दो टाइप का होता है, एक तो कंटीन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम और एक कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे अभी सर ने थोड़ी देर पहले आपसे बात करी कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम की, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम में क्या था, इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक करता है तो किसी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, तो वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई थी, उसको फिल करने के लिए ऊपर से ट्रांजिशन स्टार्ट हुए थे, तो उसमें क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। और दूसरा जो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आता है और न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस से इंटरेक्शन करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, मींस इलेक्ट्रॉन उस एटम को क्रॉस कर जाता है बट उसकी एनर्जी थोड़ी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है? तो उस एनर्जी डिक्रीमेंट में जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो एनर्जी लॉस जो है
उतना ही एनर्जी का एक्सरे फोटोन इमिट होता है। अब यहाँ पे उसी से रिलेटेड पूछा गया कि मिनिमम पॉसिबल वेवलेंथ, तो जो मिनिमम पॉसिबल वेवलेंथ का जो फॉर्म निकला होता है यहाँ पे लैम्डा मीन इज इक्वल टू, ये अपन फाइंड करते हैं किससे, 12400 अपॉन वी से, वी यहाँ पे अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है, पुलिस ट्यूब में जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है उसके इक्वल। तो यहाँ पे देखो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन उतनी हाई होगी। तो यहाँ पे जो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, 35 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अगर अपन वोल्ट की फॉर्म में चेंज करें तो वोल्ट की फॉर्म में कितना जाएगा, 35 किलो वोल्ट, मींस 35,000, ठीक है वोल्ट। यहाँ पे 12400 इसमें अपन डिवाइड करेंगे 35,000 वोल्ट का, ठीक है। तो इससे आप डिवाइड करोगे तो इसे डिवाइड करने पे जो रिजल्ट आ जाएगा ये बन जाएगा 35.5 पिकोमीटर, ठीक है। ये बन जाएगा, ये तो रिजल्ट किसमें आएगा, एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में आएगा, एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। इसे अपन निकाल लेंगे, क्लियर। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है सर। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दैट कैन बी एनालाइज्ड बाय सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल ऑफ स्पेसिंग d = 2.82 एंगस्ट्रॉम इन द सेकंड ऑर्डर, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल से अंतराल इतने के लिए द्वितीय कोटि में अधिकतम तरंग दैर्ध्य होगा। हम लोग ये जानते हैं कि ब्रेग्स लॉ से एक्सरे डिफ्रेक्शन के लिए क्या इक्वेशन रहती है हमारे पास, दैट इज 2d sin थीटा और sin फाई, दैट इज इक्वल्स टू n लैम्डा, ठीक है। जब अपने को पूछा होगा कि अधिकतम तरंग दैर्ध्य, इसका मतलब हमारे पास फाई की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 90 डिग्री, या sin थीटा की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। एक आपको द्वितीय कोटि बोला हुआ है, इसका मतलब हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। चलो वैल्यूज पुट करते हैं, sin phi sin 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, इधर बन जाएगा हमारे पास d इक्वल टू इतना कितना, इधर कितना हो जाएगा, n की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, 2 लैम्डा, 2 से हमारा 2 कैंसिल और हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये बन जाएगी d, यानी कि आपका जो आंसर रहेगा वो वही रहेगा जो अपना d है, तो हमारा आंसर बन जाएगा 2.8 एंगस्ट्रॉम। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन येरा स्क्रीन पे, एक्सरे डज नॉट शो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, एक्स किरण में से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता, ठीक है। तो चलो वो एक्सरे हम जानते हैं कि ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, लाइट वेव, एक्सरे, विजिबल लाइट, जो मतलब जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज सारी क्या ईएम वेव्स हैं, जितनी भी ईएम वेव्स होती हैं ये सभी ईएम वेव्स, मतलब वेव है, वेव में डिफ्रेक्शन नेचर तो होती है, ठीक है, डिफ्रेक्शन फिनोमेना एंड जो फोटोइलेक्ट्रिक ध्रुवण है ये किस में तरंग के अंदर पाया जाता है, हम देखते हैं एक्सरे भी एक तरंग ही होती है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड तो इसमें है ही सही, ठीक है। और इसमें जो कंपन होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, वो कैसे होते हैं, ट्रांसवर्स, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर यहां पे वाइब्रेशन करते हैं, कैसे होते हैं, ट्रांसवर्स। तो फिर यहां पे देखते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल है ये इसमें नहीं होता, ठीक है। तो आप कौन सा आंसर टिक कर सकते हैं इसके अंदर, थर्ड, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ होते हैं, अनुदैर्ध्य नहीं होती, अनुदैर्ध्य नहीं होती, ठीक है। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, The potential difference applied to an X-ray tube is 5 kV and the current through it is 3.2 mA. Then the number of electrons striking the target per second. तो आपके पास एक्स किरण नलिका में आरोपित विभवांतर दिया गया है, ठीक है, और प्रवाहित धारा दी जा रही है, तो लक्ष्य पर प्रति सेकंड टकराने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। जब अपने को संख्या इलेक्ट्रॉनों की पूछी है तो अपन अपने पास धारा है तो अपन धारा के साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या का ये संबंध जानते हैं, अपन क्या बोलते हैं, I equals to क्या होता है, Q upon T या delta Q upon delta T, और delta Q हो जाएगा आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, N E upon क्या हो जाएगा हमारे पास, T, बस। तो I की वैल्यू अपने को कितनी दे दी है, 3.2 into 10 to the power कितना हो गया, -3, that is equals to N की वैल्यू पता करनी है, ये E ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1.6 into 10 to the power कितना हो जाएगा, -19 upon T। अपने को समय जो दिया है वो प्रति सेकंड बोला है, तो अपने पास t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से n की वैल्यू अगर अपन देखें तो इसको मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 3.2 into 10 to the power -3 अपॉन 1.6 into 10 to the power -3, और यहां पर कितना हो जाएगा, -19, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास दो बार कैंसिल, और -19 ऊपर आएगा तो यहां पर कितना बचेगा, +16, तो देखें 2 into 10, यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 2 × 10⁻⁶. कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन नंबर हमारा बन जाएगा, हो गया फर्स्ट, तो हम टिक कर सकते हैं फर्स्ट को, टिक कर सकते हैं, ठीक है, आई वाज समझ में। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ, मींस एक्सरे की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है। तो देखो जैसे आप होता है एक्सरे का जो प्रोडक्शन होता है, कैसे होता है एक्सरे का प्रोडक्शन, एक्सरे प्रोडक्शन में हम पुलिस ट्यूब का यूज कर रहे हैं ना, पुलिस ट्यूब का,
पुलिस ट्यूब में क्या होता है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन बीम में कहते हैं कैथोड रेज मूव करती है टारगेट जो कि एनोड है उस पर स्ट्राइक करती है और वहां से एक्सरे फोटोन्स इमिट होते हैं। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन है वो किस पे डिपेंड करेंगे, जो उस पर कैथोड रेज पे आ रही है उसके नंबर्स पे, मीन्स उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है कैथोड रेज में उनके नंबर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जितने ज्यादा नंबर्स ऑफ कैथोड रे के अंदर जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे स्ट्राइक करेंगे उतने ज्यादा वहां से एक्सरे फोटोन्स इमिट होंगे। तो हम देखें नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं उस पे। ठीक है, तो यहां पे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे टिक कर सकते हैं। ओके, चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सर, X-rays are produced in X-ray tube operating at given accelerating voltage. The wavelength of the continuous X-ray has values from X किरण नलिका में एक निश्चित त्वरक विभवांतर पर X किरणें उत्पन्न हो रही हैं अपने पास, तो सतत X किरणों की तरंग दैर्ध्य परास क्या होगी? ठीक है, अगर अपन X-ray की इंटेंसिटी का अगर अपन ग्राफ बनाएं, तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो इंटेंसिटी हमारे पास इधर रहती है और इधर अपन लैम्डा का कर्व बनाएं, तो X-ray का कर्व अगर अपन देखें तो ये कुछ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो रहता है वो तो इस तरह से रहता है, और इसमें अगर आपके पास अभिलाक्षणिक भी आ रहा है तो ये कुछ पीक यहाँ पर हमारे पास मिल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये देखें लैम्डा इधर अपने पास जा रहा है, आगे जा रहा है, तो इनफिनिट तक जा रहा है। बस हमारे पास सिचुएशन ये है कि ये जो पॉइंट है इसको अपन बोलते हैं मिनिमम लैम्डा लोकेशन। तो आपके पास जो तरंग दैर्ध्य परास रहेगी वो कहां से रहेगी, एक लैम्डा मिनिमम से इनफाइनाइट तक हमारे पास लैम्डा की रेंज रहेगी, वेवलेंथ की रेंज रहेगी, जो वेवलेंथ यहां से इमिट हो रही है उसकी वैल्यू है लैम्डा मिन से लेकर कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, तो लैम्डा मिन टू इनफाइनाइट हमारे पास, लैम्डा मिन टू इनफाइनाइट वेयर लैम्डा मिन इज ग्रेटर देन, ऑब्वियसली ये हमारे पास जीरो है, तो लैम्डा मिनिमम इज ग्रेटर देन जीरो, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, the figure represent the observed intensity of X-ray emitted by an X-ray tube as function of wavelength, the sharp peaks A and B denotes. जैसे अभी जैसा भी सर ने बताया था previous question में कि यहाँ पे जो sharp point दिख रहे हैं ये जैसे A point and a B point है, means ये points किसको show कर रहे हैं, ये show कर रहे हैं characteristics spectrum को, means जो atom में electron का transition start हुआ है, transition जो हुआ है, तो उस transition की वजह से जो wavelength मिल रही होती है वो ये peak point उसी को show कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं इसको अपन नीचे लेके आए तो ये वेवलेंथ मिलेगी यहाँ पे, ये वेवलेंथ लैम्डा, और इसको नीचे लेके आए अपन ये वेवलेंथ लैम्डा वन, ये लैम्डा टू, ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ शो कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें ये पूछा गया कि यहाँ पे जो पीक पॉइंट्स हैं किसको शो कर रहे हैं, यहाँ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशंस। ओके, चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सर, व्हिच ऑफ द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इन द विजिबल रीजन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में आती है, ये तो हम लोग सब अच्छे तरह से जानते हैं कि दृश्य क्षेत्र में कौन सा आती है, बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में आती है। ये बामर सीरीज होती है दृश्य क्षेत्र में, ऐसे हम लाइमन की बात करें, लाइमन जनरली किसमें होती है, ये अल्ट्रावायलेट में रहेगा, अल्ट्रावायलेट में, ये अपने पास विजिबल में है, ये हमारे पास किस में रहेगा, इंफ्रारेड में रहेगा, और ये भी हमारे पास इंफ्रारेड में रहेगा। ठीक है, तो बामर सीरीज है किसमें मेनली किसमें होती है, विजिबल विजिबल रीजन में। ठीक है, विजिबल रीजन में होती है। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, in the nth orbit, the energy of electron is En is equal to minus 13.6 upon n square electron volt for hydrogen atom. तो well known है, अपन जानते ही सकते हैं, ये value होती है. The energy required to take the electron from first orbit to second orbit will be. मीन्स इलेक्ट्रॉन को first orbit से second orbit में send करना है, तो कितनी energy required हुई आपसे पूछ रहा है. तो उसपे n is equal to 1 अगर अपन put करते हैं, तो energy of first orbit मीन्स E1 की value कितनी होती है यहाँ से? दूसरी कक्षा भेजने के लिए तो फर्स्ट से सेकंड कक्षा भेजता है, तो उसका एनर्जी डिफरेंस होगा डिफरेंस है, जैसे कि आपने कहा E1 की वैल्यू अपने क्या लिखी, माइनस 13.6, and E2 value जो देखिए अपने E2 is equal to minus of 3.4, बस इसका difference निकाल लो, इसका difference जो है इतनी energy की requirement होगी हमें, जो difference कितना आएगा 10.2 electron volt, तो 10.2 electron volt यह जाएगा इसका answer first। ठीक है, इस तरह अपन समझ सकते हैं। चलो देखें हम next question। देखिए सर, if n is the orbit number of the electron in hydrogen atom, the correct statement among the following is, यदि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षा संख्या n है तो निम्न में से सही कथन होगा। n के लिए देखें अपन क्या बोल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी इंक्रीजेस एज n इंक्रीजेस। ठीक है, सही बात, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अभी जैसे सर से बात करी अपन ने,
कि यहाँ पर n इक्वल्स टू 1 हो तो एनर्जी कितनी है माइनस 13.6, ठीक है, n इक्वल्स टू हमारे पास अगर 2 है तो यहाँ पर एनर्जी कितनी आ रही है माइनस 3.4, इसके ऊपर भी जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस 1.5। तो हम लोग देखेंगे n जैसे जैसे हमारे पास इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एनर्जी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। हम लोग ज्यादा नेगेटिव वैल्यू से जीरो की तरफ आ रहे हैं, यानी कि अपनी एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये स्टेटमेंट ही करेक्ट हो गया हमारे पास, सेकंड एलिमेंट इंक्रीजेस एज एन इंक्रीज। ओके चलो अब देखें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्क्रीन पे, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, मैं यहां पे आपसे कह रहा है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम मींस कैपिटल एम एंड कैपिटल जे में आपको रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तब जो होता कैपिटल एम की वैल्यू, जो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेट एम इज इक्वल टू क्या होता है ईवीआर बाय 2, ईवीआर बाय 2, ठीक है, ये होता है एम टू ईवीआर बाय 2। अब इसको अगर अपन एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, एम मींस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे एम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एमवीआर, ये एमवीआर क्या बन जाएगा, एंगुलर मोमेंटम, जे जे इज इक्वल टू एमवीआर, तो इसको हो जाएगा ये ई जे अपॉन 2m, ej upon 2m, clear? अब यहाँ से हम सबसे m upon j ratio, तो j को नीचे ले आओ, तो m upon j is equal to, ये आ गया result, e upon 2m, तो check कर लो, कौन सा option है, e upon 2m, क्या जाएगा, first option, okay, यहाँ से हम pick कर सकते हैं, first option को, ठीक है, एक simple question था, काफी अच्छा question है, ठीक है, चलो, अब देखें, next question, देखें सर, the ionization energy of electron in the hydrogen atom in its ground state is 13.6 electron volt. The atom are excited to a higher energy levels to emit radiations of 6 wavelengths. 6 wavelengths emit ho rahe hain. Theek hai. The maximum wavelength of emitted radiation correspond to the transition between. To hamare paas jab 6 wavelengths emit ho rahi hain, to 6 wavelengths kab emit hogi? Agar apan isko check kare to hamare paas situation is tarah se rahega. Aap n into n minus 1 upon apan kya karte hain? Isko 2. To is ye jo number rahega, number of wavelengths emitted rahega. लेकिन यहां से अगर अपन n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी बनती है, ये बनेगी 4, आप इसको देख सकते हैं, ये हो जाएगा 4 × 3, 12 हो जाएगा, 12/2 अपने पास कितना आ जाएगा, 6 बन जाएगा। तो अपन n = 4 से सारे ट्रांजिशन अपने हो रहे हैं, तो चलो सब बनाते हैं, ये अपने पास हो गया 13.6, ये आगे इसके पास में ये, और ये हो गया हमारा n = 4। अब आपको ये पूछा हुआ है कि द मैक्सिमम वेवलेंथ, आपको अधिकतम तरंग दैर्ध्य बतानी है, किस ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ अपना सबसे ज्यादा रहेगा। हम लोग ये जानते हैं कि एनर्जी दैट इज इक्वल टू क्या होता है, hc अपॉन लैम्डा, तो यहां से लैम्डा के लिए लिख सकते हैं अपन, क्या हो जाएगा, hc अपॉन e, यानी कि एनर्जी जिसकी जिस ट्रांजिशन की ज्यादा रहेगी उसकी वेवलेंथ क्या रहेगी, कम रहेगी। अपने को क्या मैक्सिमम पूछा है, यानी कि एनर्जी जिसकी कम रहेगी उसकी वेवलेंथ क्या रहेगी, ज्यादा। तो आपको यहां से ऐसा ट्रांजिशन देखना है जिसमें जो एनर्जी गैप है या एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या रहे, कम रहे, सबसे कम रहे, सबसे कम एनर्जी रहे, एनर्जी डिफरेंस रहे। तो n = 3 to 2, ये रहा हमारे पास 3, ये रहा 2, ये रहा हमारे पास 1, 3 to 2 ये वाला ट्रांजिशन, इसमें एनर्जी, ठीक है, और बनाते हैं अपन 3 to 1, ये तो एनर्जी हमारे पास क्या है, ज्यादा है, ठीक है, 2 to 1 भी आपके पास एनर्जी ज्यादा है, लास्ट में अपने पास क्या है 4 to 3, ये वाला एनर्जी क्या रहेगा हमारे पास, क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा, एनर्जी कम रहेगा, तो हमारे पास लैम्डा इसका क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। यस यस, चलो अपन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फोर्थ आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्क्रीन पे, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 10 टाइम्स आयनाइज्ड सोडियम एटम इज, 10 टाइम्स आयनाइज्ड सोडियम एटम इज मींस आपसे बात करेंगे कि Na+10 मींस ये एक तरह से H लाइक एटम है, क्योंकि Na सोडियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, 11, इसमें से आपने 10 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो आप क्या बन जाएगा, Na+10, मींस अब इसमें केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, मींस ये एक H लाइक एटम की तरह बिहेव कर रहा है। अब H लाइक एटम की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए हमसे क्या पूछा है, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू दी, हम जानते हैं n z² के प्रोपोर्शनल होती है, e इज प्रोपोर्शनल टू दी z², ठीक है। H एटम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो आपको पता है 13.6 होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपन देखें यहाँ पे Na+10 इज 11, जिसका एटॉमिक नंबर है इसका 11, तो उसके लिए हमें एनर्जी फाइंड करनी है, यहाँ से E- अपन फाइंड करेंगे तो क्या जाएगी 13.6 × 11²
ठीक है 11 स्क्वायर, क्योंकि इसका जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 है, उसके अकॉर्डिंग अपन जेड भी 11 रख दिया पे, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा रिजल्ट ये। ठीक है तो अपन ये सेकंड आंसर, सॉरी सेकंड आंसर नहीं, कौन सा हो जा रहा है फोर्थ आंसर, ये फोर्थ आंसर अपन टिक कर सकते हैं। ओके चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सर ए बीम ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ थिन फिल्म ऑफ गोल्ड, ठीक है द पार्ट्स ए डैश बी डैश एंड सी डैश of the transmitted and reflected beam corresponding to the incident part ABC. अच्छा, तो यहाँ पर आपके पास ABC जो है, वो incident part है, और A dash, B dash और C dash जो है, वो आपके पास क्या है? Reflected part है, ठीक है? Are shown in the adjoining diagram, ठीक है? The number of alpha particles in, ठीक है? तो इन सारे particles में हमारे पास क्या रहेंगे? या जो alpha particles हैं, वो कौन-कौन से भाग में सबसे ज़्यादा रहेंगे या सबसे कम रहेंगे? इसके बारे में पूछा है। ठीक है तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल, तो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट अपना जो रहा है उसमें क्या होता है कि उसने क्या बोला अधिकतर अल्फा पार्टिकल सीधे गुजर जाते हैं, तो जो, हाँ, उसके रिजल्ट प्रैक्टिकल जो थे जो सीधे गुजर रहे हैं उसमें आपके पास क्या रहेंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स रहेंगे। तो ए में ए डैश में अपने पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स रहेंगे, और उसमें ये बोला था कि द वेरी स्मॉल नंबर रिटर्न्स बैक, उसने ये भी कंक्लूजन उसमें बोला था कि बहुत कम संख्या में जो अल्फा पार्टिकल है वो पुनः अपने पथ पर वापस से आ गए। तो जो 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल वापस अपने पथ पर लौट गया, अपने पथ पर लौट गया था, तो जो वापस अपने पथ पर रिटर्न हो रहा है उसका नंबर क्या रहेगा सबसे मिनिमम रहेगा। तो ए में आपके पास नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम रहेंगे और बी में हमारे पास नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या रहेंगे मिनिमम रहेंगे। ए डैश विल बी मैक्सिमम एंड बी डैश विल बी मिनिमम, तो हमारे पास इसका सेकंड आंसर है। ओके चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दैट लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन इज, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि जो अल्ट्रावायलेट रीजन ये किसमें आता है लाइमन सीरीज में, ठीक है लाइमन सीरीज का ऑप्शन ये लाइमन सीरीज में, ठीक है उसका अल्ट्रावायलेट लाइमन सीरीज में, फिर विजिबल लाइट वाला किसमें आता है लाइमन बारा सीरीज में, फिर ये सैलिएंट फंड एंड पास्टन सीरीज है तो इन्फ्रारेड रेज अप्लाई करती है, ठीक है तो वही क्वेश्चन टाइप का होगा। चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम ट्रांजिट फ्रॉम n1 टू n2 इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन विल बी इमिटेड, n1 से n2 संक्रमण में इनमें से किन ट्रांजिशंस में हमारे पास अधिकतम आवृत्ति उत्सर्जित होगी, ठीक है तो आवृत्ति के लिए अगर अपन चलते हैं तो वापस अपन चलेंगे एनर्जी से, एनर्जी क्या होती है E=hν, तो जिस ट्रांजिशन की एनर्जी ज्यादा रहेगी उसकी आवृत्ति भी क्या रहेगी ज्यादा रहेगी, बस अपने को अधिकतम ही पूछा है। तो यहाँ पर अपन देखें कि कौन सा ट्रांजिशन जो रहेगा जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा क्या रहेगी, अपन जानते हैं कि 1 से 2 में जो भी हमारे पास रहेगा यहाँ पर जो गैप रहता है वो कितना रहता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना गैप तो बाकी और किसी ट्रांजिशन में बनना भी नहीं, तो ठीक है यहाँ पर एनर्जी सबसे ज्यादा है तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा रहेगी। अब तो उसे मिलता जुलता ऑप्शन 1 से 2 भी लग रहा है बट इसको टिक नहीं करना क्योंकि आपसे पूछा आपसे अधिकतम उत्सर्जित इमिशन कब होगा जब आप हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएंगे, तो इसलिए ये फर्स्ट टिक मत करना 1 से 2 में, तो यहां पे अब्सॉर्प्शन शो करता है, यहां पे इमिशन पूछा तो इमिशन में 2 से 1 में आएगा, ठीक है चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में क्या है द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर एच एटम इज इक्वल टू दैट ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज फॉर हाइड्रोजन लाइक आयन The atomic number Z of hydrogen-like atom is. अब देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, टिपिकल नहीं है अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया दोनों वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट दोनों की वेवलेंथ सेम हो रही है इक्वल वेवलेंथ बोली गई है, ठीक किस किस की वेवलेंथ इक्वल है लैम्डा किस बार फर्स्ट लाइन ठीक है इक्वल टू दी लैम्डा फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ठीक है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फर्स्ट लाइन किसकी एच एटम की वेवलेंथ हमें किसकी इक्वल करनी है ये इक्वल करनी है इक्वल टू सेकंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज सेकंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज ठीक है ये किसी अदर एटम के लिए किसी भी का जेड हमें जिसका जेड हमें को फाइंड बिल्कुल ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब ये लैम्डा इक्वल है तो ये इनके इनवर्स भी इक्वल होंगे ठीक है इनवर्स मींस बोथ साइड ये अपन इससे कर दिए इक्वल दोनों के इनवर्स भी इक्वल होंगे बिल्कुल क्लियर। अब जो यहां पे 1 अपॉन लैम्डा का फार्मूला आपको बताइए ये क्या होता है r z स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर ठीक है इस तरह अप्लाई कर रहे हैं r z स्क्वायर z तो कितना है हमें h स्क्वायर का मान हो जाएगा ठीक है फिर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर तो यहां पे लाइमन की फर्स्ट सीरीज है
ठीक है, लाइन वन में जंपिंग कहाँ होती है, फर्स्ट ऑर्बिट में, और उसकी फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट टाइम मतलब जस्ट ऊपर से जंपिंग करानी है, टू सेवन टू सेवन में आना, टू सेवन में आना, ठीक है, तो टू सेवन में आना है, यहाँ पे एन वन की वैल्यू वन है माइनस एन टू वैल्यू होती है टू है, टू ये अप्लाई कर दिया अपन ने इज इक्वल टू। अब यहाँ पे बामर सीरीज के लिए अप्लाई करना है सेकंड लाइन पर जेड आर जेड स्क्वायर आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट में वन अपॉन, अब बामर की सेकंड लाइन ठीक है, बामर में जंपिंग कहाँ पे जाते हैं, एन इक्वल टू में जंपिंग होती है, और इसकी सेकंड लाइन है मतलब एक छोड़ के एक ऊपर से, एक तो तीन से दो में आएगा और उसके एक चार से दो में आएगा, तो सेकंड लाइन कौन सी रहेगी, चार से दो में, ठीक है, फोर से टू में, यहाँ पे ये जाएगा एन वन की वैल्यू टू है ठीक है एंड माइनस एन टू की वैल्यू यहाँ पे फोर है, फोर ठीक, इसको अपन को सॉल्व करना है, क्लियर, यहाँ से आर तो कैंसिल हो गया, वन माइनस वन बाई फोर ये तो गया थ्री बाई फोर, बिल्कुल ये तो थ्री बाई फोर हो गया इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ठीक है, अभी कितना है वन बाई फोर माइनस वन बाई सिक्सटीन, तो जाएगा थ्री बाई सिक्सटीन, थ्री बाई सिक्सटीन, ठीक है, वन बाई फोर माइनस वन बाई सिक्सटीन, सिक्सटी बाई सिक्सटीन हो गया, बाई सिक्सटीन बनेगा, ये कैंसिल, ठीक है, फोर से सिक्सटीन को भी फोर टाइम्स कैंसिल कर दो, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू हो गया फोर, जेड स्क्वायर इक्वल टू फोर मीन्स जेड इक्वल टू टू, जेड इक्वल टू टू ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए जेड इक्वल टू कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो इस तरह अपन ये सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका, ओके, चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सर The number of electron, neutron and proton in a species are equal to 10, 8 and 8 respectively. The proper symbol of the species. तो आप मुझे लगता है कि ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो दे रखे हैं वो कितने हैं? 10 है। और हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कितने दिए हुए हैं हम लोग को? 8 दिए हुए हैं, और न्यूट्रॉन भी कितने दिए हुए हैं अपने को? 8 दिए हुए हैं। तो हमारे पास क्या जेड कितना होता है? जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये हो जाएगा 8। हमारे पास ए क्या होता है? P plus N, number of neutron and proton, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 8 plus 8, 16 हो जाएगा, ठीक है? पर आप ये जानते हैं कि उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या रहती है? समान रहती है, पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? इलेक्ट्रॉन नंबर जो है वो आपके पास प्रोटॉन से ज्यादा है, और कितने ज्यादा है? दो ज्यादा है, यानी कि आपके पास जो एटम है उसमें दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी कि उस पर चार्ज क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा, और कितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा? माइनस टू चार्ज उस पर ज्यादा रहेगा। तो हम लोग अगर लिखना है तो बस उसके लिए लिख सकते हैं वो स्पीसीज क्या रहेगी, इधर अपन लिखेंगे जेड और ए लिखेंगे, तो हमारे पास जेड क्या हो जाएगा? जेड 8 है और ए अपना कितना है? 16 है, और अपन ने देखा कि अपने पास दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसकी वजह से चार्ज कितना हो जाएगा? माइनस टू। तो ये हमारा कंक्लूजन है, फोर्थ आंसर, फोर्थ आंसर हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन हैज अ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, अब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम में जो अपन देखते हैं बोहर पोस्टुलेट, जेड मिनिमम आएगी, तो जेड मिनिमम इज इक्वल टू, ठीक है, जेड इज इक्वल टू H upon two pi, ठीक है, तो कौन सा आंसर आएगा? H upon two pi, third, तो अपन टिक कर सकते हैं third H upon two pi, ओके, चलो, अब देखिए next question, देखिए सर, the ionization energy of Li plus plus is equal to lithium की आयनीकरण ऊर्जा है। आयनीकरण ऊर्जा का मतलब क्या है हमारे पास? पहले तो अपन ने प्लस प्लस का मतलब आपके पास ये हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया, इसकी फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन बन रहा है, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं तो अपन जानते हैं कि वन अपॉन लैम्डा जो रहता है वो क्या रहता है हमारे पास? आर जेड स्क्वायर क्या रहता है? वन अपॉन एम वन स्क्वायर माइनस क्या रहता है? वन अपॉन एन टू स्क्वायर, ठीक है। अपने को क्या करना है? आयनीकरण ऊर्जा, यानी कि आपके पास एन वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन वन तो हो जाएगा वन, और आयनीकरण करना है यानी कि अपने को क्या करना है? उसको इनफाइनाइट पर भेजना है, तो आपके पास एन टू की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगर अपन वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 अपॉन लैम्डा दैट इज इक्वल्स टू r z, इसका कितना हो जाएगा? z 3, 3 का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर, ठीक है।
पर आपको यहाँ पर ऊर्जा पूछी हुई है और ऊर्जा हम लोग जानते हैं एनर्जी क्या होती है हमारे पास एचसी अपॉन लैम्डा। तो मैं दोनों तरफ क्या कर लेता हूँ एचसी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एचसी अपॉन क्या हो जाएगा लैम्डा दैट इज इक्वल टू एचसीआर इनटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 9 और ये वैल्यू जो हमारे पास 1 माइनस 0 तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 तो हमारे पास जो रिजल्ट बनना है 9HCr कौन सा आंसर है हमारा फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका ठीक है चलो अब देखें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये द वेवलेंथ ऑफ द एनर्जी इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट इन हाइड्रोजन इज 20.397 सेंटीमीटर द वेवलेंथ ऑफ एनर्जी फॉर द सेम ट्रांजिशन इन हीलियम प्लस इज यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहा है ठीक है एनर्जी इज इक्वल टू जैसे भी अपन ने सॉल्व किया ये 1 अपॉन लैम्डा की हेल्प से तो एनर्जी अपन लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा फाइंड किया था 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर ठीक है ये अपन लैम्डा फाइंड किया था ठीक है इसमें hc से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाती है एनर्जी ठीक है बिकॉज e इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा ठीक है e is equal to hc upon lambda means energy is proportional to the क्या बेटा 1 upon lambda जिस पे आपको transition fix कर दिया means ये value fix है ये value fix कर दी transition fix है means एक particular n2 से particular n1 में jumping करानी है r तो वैसे ही Rydberg constant है means यहाँ पे 1 upon lambda is proportional to क्या रहा है z square ठीक है proportional to the z square तो यहाँ पे हमें देखो helium plus के लिए पूछी है wavelength यहाँ पे क्या पूछा है wavelength अच्छा वेवलेंथ की माने वेवलेंथ ऑफ एनर्जी इमिटेड कम्स ऑफ ऑर्बिट इन हाइड्रोजन के लिए अपने को गिवन है देखिए यहां पे यहां से निकाल लेंगे 1 अपॉन लैम्डा प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर से यहां से हमसे अब जेड लैम्डा पूछा तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू क्या 1 अपॉन जेड स्क्वायर लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन जेड स्क्वायर यहां से आप देख लीजिए पहले यहां पे हाइड्रोजन के लिए गिवन है और किसके लिए पूछा गया हमसे अपना पूछा गया है लिखते हैं हीलियम के लिए पूछा है ना हीलियम के तो लैम्डा एच ई अपॉन अपन क्या कर सकते हैं लैम्डा हाइड्रोजन फोर टाइम्स तो ये फोर्थ पर आया है एच ई तो इधर जेड स्क्वायर अपना किधर आ जाएगा जेड एच ई इधर आ जाएगा उसका स्क्वायर और इधर जेड ये एच इधर अपना इधर आ जाएगा बस वैल्यूज पुट करनी है सिंपल सॉल्व करना है कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास क्या हो जाएगा लैम्डा एच ई क्या हो जाएगा इधर जेड एच तो ये तो हो गया 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर इनटू इस लैम्डा हाइड्रोजन को उधर ले आऊं और उसकी वैल्यू कितनी बनी है हमारे पास 20.4 कर देंगे इसको 397 तो इस वैल्यू को अपने को क्या करना है डिवाइड बाय 2 स्क्वायर यानी कि 4 करना है तो इसमें 5.09 आ जाएगा फर्स्ट आंसर बिल्कुल ठीक है चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 26 तो देखिए 26 में आपसे कह रहा है एन अल्फा न्यूक्लियस ऑफ एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर बॉम्बार्ड अ हेवी न्यूक्लियर टारगेट ऑफ चार्ज जेड ई The distance of closest approach for alpha nucleus will be proportional to the. अब यहाँ पे क्या देखो alpha particle को हम यहाँ पे किसी particle jet की तरफ या particle nucleus की तरफ अपन bombard कर रहे हैं तो काफी high speed से मतलब अपने high energy से bombard कर रहे हैं तो जैसे kinetic energy के पास आई kinetic energy क्या होगी decrease एक particle distance पे आके जब particle रुक जाएगा उसकी kinetic energy क्या हो जाएगी zero और हम जानते हैं energy कभी destroy नहीं होती इसका मतलब kinetic energy किसी other energy में convert हुई है तो किसमें convert होती है potential energy में तो यहाँ पे हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करने हैं यहाँ पे हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा जो के ई लॉस काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा वो किसके गेन इक्वल होगा पोटेंशियल गेन के इक्वल होगा तो हम पोटेंशियल गेन के इक्वल करना है के ई लॉस यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर ठीक है हाफ एम वी स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी गेन पोटेंशियल यहाँ पे कौन सी ऑप्टन होगी यहाँ पे के जेड के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के क्यू वन क्यों तो यहाँ पे क्या होने अल्फा पार्टिकल तो प्लस टू ई हो जाएगा प्लस टू ई ठीक है एंड एटम जेड ई है चार्ज पे जेड ई क्यू टू वैल्यू जेड ई होगी ठीक है अपॉन आर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर तो हमारा पर्पस क्या है क्या निकालना हमें आर की वैल्यू ये जो मेन क्लोजेस्ट अप्रोच है आर ही कैलकुलेट करनी है यहाँ पे आर को उधर ले आए और इसको उधर भेज दें यहाँ पे वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू इसको उधर ले आएंगे तो 4 के जेड ई स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे नीचे जाएगा mv square देखो r भी किस पे डिपेंड कर रही है r is proportional to 1 upon n ठीक है फर्स्ट करेक्ट है यहाँ 1 upon v square आ रहा है यहाँ तो 1 upon v square तो wrong है v four लिखा हुआ है तो 1 upon jd नहीं jd की डायरेक्ट फॉर्म पर भी wrong है v square भी wrong है तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमें फर्स्ट ठीक है इसको फर्स्ट ओपन टिक कर सकते हैं क्लियर चलो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर The energy of electron in 13th orbit of hydrogen is expressed as E n. ये हम लोग जानते हैं that is minus 13.6 upon n square eV. The shortest and longest wavelength of Lyman series will be.
ठीक है, एनर्जी हम लोग को पता है, वेवलेंथ का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वन अपॉन लैम्डा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास आर जेड स्क्वायर, ठीक है, वन अपॉन क्या हो जाएगा एन वन माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर, ठीक है। हम लोग यहां पर जानते हैं आपके पास जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रहेगी उसके लिए वेवलेंथ और एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन लैम्डा, तो एनर्जी जिसकी सबसे ज्यादा रहेगी उसका लैम्डा सबसे कम रहेगा, यानी कि आपके पास इनफाइनाइट से जो वन में ट्रांजिशन हो रहा है, लाइमन के लिए पूछा है शायद हम लोग को, लाइमन में तो अच्छा हम बोला जेड टू, तो आपके पास n = इनफाइनाइट से n = 1 में जो ट्रांजिशन हो रहा है इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी, तो इसका लैम्डा क्या रहेगा सबसे कम रहेगा, तो दैट विल बी लैम्डा मिनिमम। और अगर अपन n = इसके पास वाला कौन सा है 2, तो n = 1 में आ रहे हैं तो यहां पर एनर्जी कम रहेगी तो यहां पर लैम्डा क्या रहेगा मैक्सिमम रहेगा, तो इन दोनों में हम लोग ये वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप r को 1912 हाँ, या इसका एक और इक्वेशन भी होता है 912, हाँ 912 एंगस्ट्रॉम करके और होगी क्या, हाँ और जेड तो वन हो ही गया है, वन अपॉन हमारे पास जो एन वन है वो कितना है वन स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर एन टू की ये दोनों वैल्यूज आप लोग को रख के बनाना है सॉल्व करना है, तो ठीक है। एक तो अपन इनफाइनाइट रह ही देते हैं यहाँ पर, इनफाइनाइट रखेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 912, और इनफाइनाइट का क्या रहेगा अपना लैम्डा मिनिमम रहेगा, तो मिनिमम तो कितनी आएगी हमारे पास 912 के समथिंग 910 चक्र पूरा करने में लगा समय होता है उसे बोलते हैं आवर्तकाल टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड टी, टी का फॉर्मूला क्या है, टी बराबर 2 पाई आर अपॉन वी, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो पूरे एक साइकिल में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा ये 2 पाई आर, एंड स्पीड कितनी है वी, तो 2 पाई आर अपॉन वी डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया अपन ने, मींस यहां से देखिए टी इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है आर अपॉन वी वी, और एन के साथ जो रिलेशन है हम जानते हैं आर इज प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर, आर समानुपाती एन स्क्वायर होता है, तो r समानुपाती n स्क्वायर दिया, एंड v v प्रोपोर्शनल टू होता है 1 अपॉन n, ठीक है, तो ऊपर चल जाएगा तो क्या बन जाएगा n पावर 3, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें थर्ड ऑप्शन, ठीक है, थर्ड अपन टिक कर लेंगे, क्लियर। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सर, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड फ्रॉम इट्स फोर्थ टू फिफ्थ स्टेशनरी ऑर्बिट द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, जब इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से पांचवी कक्षा में या स्थिर कक्षा में उत्तेजित किया जाता है तो उसके कोणीय संवेग में परिवर्तन होगा, तो हम लोग बोर मॉडल से ये जानते हैं कि कोणीय संवेग जो होता है वो क्या होता है हमारे पास n h अपॉन क्या होता है 2 पाई, तो अगर मैं चौथी कक्षा के लिए लिखूं तो ये कितना हो जाएगा 4 h अपॉन कितना हो जाएगा 2 पाई, और अगर मैं इसको पांचवी के लिए लिखूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये 5 h अपॉन 2 पाई, तो इसका डिफरेंस या चेंज इन एंगुलर मोमेंटम देखना है तो ये क्या हो जाएगा 5h / 2π - 4h / 2π, तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा h / 2π, इनकी वैल्यूज रख के अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि ये भी 6.6 के आसपास रहेगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6.2π, तो ये 2π जो है ये 6.28 * कितना हो जाएगा 10 - माइनस इधर हो जाएगा 34, ये जो वैल्यू बनेगी एप्रोक्सीमेटली 1.05 ऑर्बिट की बात कर रहा है, ठीक है, कौन सी ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ फोर्थ ऑर्बिट होती है, ठीक है, इसका मतलब n = 4 की बात कर रहा है, n = 4, ठीक है, और किसके लिए निकालना है आपको हीलियम प्लस के लिए, ठीक है, इसका z आपको पता ही है, इसका z = 2 होता है, ठीक है। अब इसकी रेडियस, अब हम देखें r, r इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है n² / z, क्लियर। अब यहां पे हमें जो फाइंड करना है, किसके लिए फाइंड करना है, n = टू तो 4 गिवन है, मतलब n = टू 4 अगर अपन पुट करके देखें 4² एंड जेड यहाँ पे कितना है 2, जेड इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से कितना बन जाएगा ऊपर तो कितना हो गया 16 डिवाइड बाय 2, इसका मतलब 8 टाइम्स, मतलब 8 गुना,
ठीक है, आठ गुना मान आएगा रेडियस का, यहाँ पे जो मान आपको दे रखा है ये वैल्यू रखिए 5.5 एंगस्ट्रॉम, तो हम इसका आठ गुना कर दो, 8 टाइम्स कर दो, तो 0.5 इनटू 8 करेंगे कितना आएगा 4 एंगस्ट्रॉम, तो इसका आंसर आएगा ये 4 एंगस्ट्रॉम, तो इस तरह टिक कर सकते हैं आंसर 4 एंगस्ट्रॉम। आर यू समझे? चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए सर, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ्स फॉर 2 टू 1 ट्रांजिशन इन Li प्लस प्लस Hg प्लस एंड Hs, तो आपके पास 2 से 1 में जो ट्रांजिशन हो रहा है उसके लिए वेवलेंथ्स का हमारे पास रेशियो क्या रहेगा, तो ये देखना हम लोग को, हम लोग इतनी देर से हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि 1 अपॉन z हमेशा प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा हमारे पास, 1 अपॉन लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर, तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लैम्डा के लिए क्या लिख सकता हूं, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन z स्क्वायर, तो अपने पास ये जो चल रहा है इसमें अगर मैं लिखूं लैम्डा 1 रेस टू लैम्डा 2 रेस टू लैम्डा 3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन z1 स्क्वायर रेस टू 1 अपॉन z2 स्क्वायर रेस टू 1 अपॉन z3 स्क्वायर, अपने पास जो जो मटेरियल दिए हुए हैं इनकी वैल्यूज अगर अपन रखें तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा Li के लिए ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर रेस टू 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा हमारे पास Hg के लिए 2 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो ये जो टर्म बनेगी हमारे पास ये कितनी बन जाएगी 1 अपॉन 9 रेस टू 1 अपॉन 4 रेस टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, तो इनका एलसीएम लेके अगर अपन सॉल्व करें तो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास 4 रेस टू 9 रेस टू कितना बनेगा हमारे पास 36, मतलब सब तीनों हमने यहां पे 36 से मल्टीप्लाई कर दिया, या तो यू आप इसको देखेंगे यहां पर 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये हमारे पास कितना बन जाएगा 36 बन जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका थर्ड आंसर 4936। ओके चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 32, देखिए थर्ड क्वेश्चन, व्हेनेवर अ हाइड्रोजन एटम इमिट्स अ फोटोन इन बामर सीरीज, मैं से आपसे कह रहा है कि फोटोन बामर सीरीज का एक फोटोन इमिट हुआ है, बामर सीरीज में क्या होता है इलेक्ट्रॉन कहां पे जंप करता है सेकंड ऑर्बिट में, किसी भी हायर ऑर्बिट से नीचे सेकंड ऑर्बिट के अंदर आता है, अब तो सेकंड ऑर्बिट हम जानते हैं एच एटम में जो इसकी जो मूल कक्षा है वो कौन सी है, इसकी बेसिक ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट पे, ठीक है तो इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट बताना ही आना है, ठीक है बामर सीरीज में कहां पे आ चुका है 2 में आ चुका है, अब 2 से डेफिनेट 1 में तो आएगा ही आएगा, ठीक है तो 2 से 1 में आएगा, तो 2 से 1 में आने पे कौन सीरीज बनेगी लाइम 1, क्योंकि जंपिंग कहां हो रही है 1 में, तो लाइम 1 सीरीज डेफिनेट लाइम 1 सीरीज का इलेक्ट्रॉन तो मतलब फोटोन मिलेगा ही मिलेगा, आप देखते हैं ये जाएगा इट मस्ट इमिट अनदर फोटोन इन द लाइम 1 सीरीज, क्योंकि बामर द्वारा देख लिया बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन आया है, इसकी बामर सीरीज की बात कर रहा है, ठीक है बामर सीरीज का फोटोन यहां पे उत्सर्जित करता है मींस इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से सेकंड स्टेट में जंप हुआ है, हायर स्टेट से सेकंड में जंप हुआ है, अब सेकंड से 1 में तो आएगा आएगा डेफिनेटली, तो सेकंड से 1 में आएगा तो कौन सा फोटोन लगा लाइम सीरीज, ठीक है तो यहां पे टिक कर सकते हैं थर्ड को। ओके चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33 देखिए सर, द अब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ एनर्जी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर 3, द इमिशन ट्रांजिशन बिटवीन दीज स्टेट्स विल बी, ठीक है परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम तथा चतुर्थ ऊर्जा स्तरों के बीच में अवशोषण संक्रमणों की संख्या 3 है, तो यहाँ पर उत्सर्जन संक्रमणों की संख्या कितनी होगी, तो अवशोषण संक्रमण कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये n = 1 है, ये जैसे हमारे पास n = क्या है 2, ये हमारे पास n = 3, ये हमारे पास n = 4, ठीक है तो अवशोषण का मतलब यहां से ये यहां पर जा सकता है, ये यहां से यहां पर जा सकता है और ये यहां से यहां पर जा सकता है, अवशोषण हमेशा से ग्राउंड से स्टार्ट होता है, हमेशा अवशोषण हमेशा ग्राउंड से ट्रांजिट होगा, तो अवशोषण स्पेक्ट्रम में कितने कितना लाइन बन रही है हमारे पास 3 लाइन बन रही है, अगर आपको यहां से इधर आना है तो अपने पास ये n = कितना हो गया है 4 हो गया है, तो अपन यहां पर जानते हैं यहां पर किस तरह से आपके पास उत्सर्जन होगा, उत्सर्जन होने में तो क्या हो सकता है ये यहां से यहां पर भी आ सकता है, यहां से यहां पर भी आ सकता है, यहां से यहां पर भी आ सकता है, फिर ये यहां से यहां पर या यहां से यहां पर और लास्ट हमारे पास क्या हो जाएगा यहां से यहां पर, जो अपन अपने पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है जो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है तो हमारे पास लाइन कितनी बन जाएगी 6 1 2 3 4 5 6 टोटल, तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो जाएगी n = 4 to 1 में 6 लाइंस हमारे पास बन गई, ठीक है तो आंसर 4 हो जाएगा 6 लाइंस। ओके चलो अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, के अल्फा एंड के बीटा एक्स रे आर इमिटेड व्हेन देयर इज ए ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन लेवल्स, तो देखो के अल्फा एंड के बीटा यहाँ पे के सीरीज का मतलब बिल्कुल लाइमन सीरीज जैसे होता है, मींस ट्रांजिशन किस में होता है फर्स्ट ऑर्बिट में, ठीक है एच एटम चैप्टर के अपन तो यूज करते हैं लाइमन बामर पाशन ये सीरीज यूज करते हैं, ऐसे एक्सरे स्पेक्ट्रम में लाइमन सीरीज को हम के सीरीज बोल लेते हैं,
मामर सीरीज करस्पॉन्डिंग एल होती है, ऐसे के एल एम एन ओ सीरीज होती है, तो के का मतलब जंपिंग कहाँ हो रही है, फर्स्ट ऑर्बिट में, ठीक है। अब के अल्फा, अल्फा शो कर रहा है फर्स्ट लाइन को, मतलब जस्ट ऊपर से फर्स्ट में जंपिंग हो रही है, मतलब टू से वन में जंपिंग हो रही है, तो के अल्फा तो क्या शो कर रहा है, जंपिंग का है टू से वन में, टू से वन में जंपिंग हो रही है। के बीटा उसकी नेक्स्ट लाइन को शो करता है, मींस थ्री से वन में जंपिंग को शो करता है, मींस इलेक्ट्रॉन कहां पे जंप कर रहा है, थ्री टू वन, ठीक है। तो उसमें आप देख लीजिए कौन सा जाएगा रिजल्ट, ये जाएगा टू टू वन, ठीक है, एंड थ्री टू वन। तो यहाँ पे हम फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन टिक कर सकते हैं इस तरह से, ओके। चलो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंसिडरिंग द डी ब्रोगली waves to be associated with the electrons, which of the stationary wave pattern below respond to the second orbit, ठीक है। तो हम लोग हमेशा जानते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो stationary waves बननी चाहिए वो stationary waves complete बननी चाहिए, complete stationary waves बननी चाहिए, आधे आधे loop नहीं prepare होनी चाहिए। और आपके पास जो orbit बन रही है वो orbit कौन सी है, second orbit है, यानी कि आपके पास दो complete wave बननी चाहिए। दो complete wave का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर अगर अपन देखें तो ये आधा लूप बन रहा है, ये कंप्लीट वेव नहीं है। कंप्लीट वेव क्या होती है, कंप्लीट में आपके पास पॉजिटिव साइकिल भी है और नेगेटिव साइकिल भी है, और इसका स्टेशनरी पैटर्न जो रहेगा वो इस तरह से रहेगा, ये सिंगल, तो ये एक सिंगल कंप्लीट वेव हो गई है, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये एक हाफ वेव है। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक वेव बन रही है और ये हाफ लूप बन रहा है, तो ये भी आपके पास एक कंप्लीट वेव नहीं है, ठीक है। तो अपन चलते हैं इधर की तरफ, यहां पर आपके पास सेकेंड ऑर्बिट की बात हो रही है, तो हाँ इसमें ये वन वेव बन रही है, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए है, और इसमें अगर अपन देखें तो आपके पास दो वेव जो है वो पूरी कंप्लीट बन रही है, कहने का मतलब ये n = 2 2 के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपल ऐसे समझ सकते हैं, जिससे जितने नंबर ऑफ लूप्स है उसका हाफ कर दो, नंबर ऑफ लूप्स का हाफ, बिल्कुल नंबर ऑफ लूप्स कितने 4 है, 4 का हाफ कर दो, तक 2 वो सेकंड ऑर्बिट को शो कर रहा है, इसमें नंबर ऑफ लूप 2 है उसका हाफ कर दो 1, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट को शो कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही जैसे नंबर ऑफ लूप मान लो 10 है तो उसका हाफ करेंगे क्या जाएगा 5, मतलब फिफ्थ ऑर्बिट को शो करेगा, ठीक है सर। चलो अब देखें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36, द डायग्राम शोज द पाथ ऑफ 4 अल्फा पार्टिकल्स ऑफ द सेम एनर्जी बीइंग स्कैटर्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम साइमल्टेनियसली, व्हिच ऑफ दीस आर इज नॉट फिजिकली पॉसिबल। तो चलो वो अल्फा पार्टिकल हम जानते हैं क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और न्यूक्लियस ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब पॉजिटिव एंड पॉजिटिव हमेशा क्या होता है, रिपल्शन का भी अट्रैक्शन नहीं हो सकता, दोनों लाइक चार्ज है, ठीक है, दोनों सजातीय आवेश है, ठीक है। इससे इसमें क्या होगा, रिपल्शन, यहाँ पे देखिए इसके अंदर रिपल्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे से रिपल्शन हो रहा है, इसके अंदर यहाँ भी दूर हट रहा है, रिपल्शन हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, अट्रैक्शन कहीं पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कौन सा आंसर है, कौन सा पथ संभव नहीं है इसके अंदर, कौन सा हो गया, ये फोर्थ नंबर वाला हो गया, फोर ओनली फोर ही आ जाएगा फोर्थ आंसर इसका, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हैं, आई वॉज सम। चलो अब देखें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सर, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट द ओनली इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ HE इज हाइड्रोजन सॉरी हीलियम प्लस की मूल अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है। तो हम लोग ये जानते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड जो रहती है वो हमेशा क्या रहती है, जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहती है, जेड स्क्वायर ई पोर्शन के जेड स्क्वायर। हां, अगर अपन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद लिए बात करें फर्स्ट ऑर्बिट से, तो हाइड्रोजन के लिए हमारे पास EH की वैल्यू कितनी रहती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 52 से आगे, मतलब 54.4 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
upon lambda. 1 upon lambda is proportion to the frequency. ठीक है, and frequency is proportion to the omega. ठीक है, because हम जानते हैं omega is equal to 2 pi f. क्या कहते हैं, f is equal to omega upon 2 pi. ठीक है,
omega is equal to pi f, f is equal to omega upon 2 pi, means frequency is proportional to the omega. तो से मैं इस न्यू बार एंड ओमेगा में रिलेशन फाइंड करना है ग्राफ को देखो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो कौन सा आ जाएगा फर्स्ट स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन और तो यही नहीं ठीक है तो आप आंसर क्या टिक करेंगे फर्स्ट ठीक है चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्वेश्चन 39 द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन इज आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बोर ऑर्बिट में कितना रहेगा एक तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोग ये जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती तो यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शन नेगेटिव है तो एक ही ऑप्शन हमारा क्या हो चुका है सही हो चुका है उसमें अपने देखने की जरूरत नहीं अदरवाइज हम लोग अगर देखना चाहे तो काइनेटिक एनर्जी इज मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल मैकेनिकल टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इन दैट ऑर्बिट तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी अपन ये जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है -13.6 इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा अपन फाइंड करते हैं ठीक है और वैसे थोड़ा सा बताऊं पोटेंशियल के बारे के अंदर तो बस आपको एनर्जी की इन्फॉर्मेशन दे रखी हो एनर्जी की इन्फॉर्मेशन दे रखी हो और आपको काइनेटिक एनर्जी पूछा जाए तो इस हमने बताया काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू तो क्या होती है मोड ऑफ टोटल एनर्जी ठीक है एंड पोटेंशियल एनर्जी की बात करें अपन तो पोटेंशियल एनर्जी ये होती है ट्वाइस ऑफ ई के इक्वल पोटेंशियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई ठीक है ऐसा अपन कहते हैं और यहीं पर अगर अपन से पोटेंशियल एनर्जी पूछे था तो ट्वाइस ऑफ ई यहां पे कितना गिवन आपको -13.6 ठीक है तो उसको डबल कर देंगे तो 27.2 माइनस ऑफ 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछा था आपसे तो -27.2 ये अपन चेक कर सकते हैं ठीक है अभी तो खैर हमसे आईडी भी पूछा गया इसलिए आंसर ले लेगा इसका थर्ड ठीक है चलो अब देखें इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए सर द रेशियो ऑफ मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन एंड बामर सीरीज विल बी आपको मिनिमम वेवलेंथ के लिए लाइमन और बामर के लिए रेशियो कैलकुलेट करना है वेवलेंथ हम लोग ये जानते हैं कि वेवलेंथ का इक्वेशन क्या रहेगा ये रहेगा हमारे पास आर जेड स्क्वायर 1/(n1)²-1/(n2)² मिनिमम वेवलेंथ का मतलब एनर्जी मैक्सिमम का मतलब ट्रांजिशन जो हो रहा है अगर अपन लाइमन के लिए बात करें तो ट्रांजिशन आपके पास क्या हो रहा है n1 तो कितना हो जाएगा 1 और n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इनफिनिट इस ट्रांजिशन के लिए एनर्जी मैक्सिमम रहेगी तो वेवलेंथ क्या रहेगी मिनिमम रहेगी और उसी तरह से हमारे पास जो बामर है उसके लिए क्या हो जाएगा n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इनफिनिट तो अपने को अगर रेशियो कैलकुलेट करना है तो देख लेते हैं लाइमन अपॉन लैम्डा बामर दैट इज इक्वल्स टू क्या बाकी सब चीजें अपने पास क्या क्या दे रखा है आर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट आर और जेड कांस्टेंट है तो ये दोनों हमारे पास हम लोग कैंसिल हो जाएगा और इसके लिए अगर लिखना है तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन इसके लिए 1 का स्क्वायर रेशियो बामर लाइमन टू बामर पूछा है तो ये हो जाएगा स्क्वायर -1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन ये बन जाएगा 2² -1 अपॉन इनफाइनाइट उसकी जो टर्म आएगी नीचे आएगी और बामर के लिए जो है वो ऊपर आएगी तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर -1 इनफिनिट तो अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो टर्म बनेगी वो बन जाएगी लैम्डा लाइमन अपॉन लैम्डा बामर इधर बनेगा हमारे पास कितना 1/4 अपॉन ये कितना हो जाएगा 1/1 या इसको अगर अपन लिखे तो ये कितना हो जाएगा 1/4 तो 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा 0.25 ठीक है तो कौन सा आंसर है तो हमारा कौन सा रह जाएगा फोर्थ आंसर ठीक है तो अपन आज कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एक्स एंड एटम के ठीक है इसमें अपना नेक्स्ट पूर्णिति और है वो भी इसी से रिलेटेड है उसके अंदर अपन नेक्स्ट पोर्शन डिस्कस करेंगे जिसमें न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है तो चलो आज के तब होते कल मिलते हैं ओके गुड बाय थैंक यू